दोस्तों, निको देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं छठ व्रतियों का यहाँ छठ पूजा हो रहा है हमारे गांव में, और सूर्य की आराधना किया जा रहा था। सूर्योदय हो चुका है, ये जल से निकल रहे हैं। निको देहाती ब्लॉक यूट्यूब चैनल बने रहिएगा। देखिए गांव घर के लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं दोस्तों। पोल पर भी लोग खड़े हुए हैं, झरिया पर गाना भी गा रहे हैं, सुन सकते हैं। भी छठ का पूजा होगा, लास्ट पूजा, उसके बाद यहाँ से विसर्जन होगा। छठ व्रत निकले हैं, देखिए महिलाएं सिंदूर ले रही हैं दोस्तों। छठ का सिंदूर बहुत ही शुभ होता है, देखिए गाना गा रहे हैं। गाँव देहात में इसी प्रकार छठ त्योहार मनाया जाता है दोस्तों। मुख्य सिंदूर का दान प्रदान हो रहा है, सिंदूर मुख्य इस त्योहार का मुख्य चीज है। माथे पर सिंदूर सुहागने लेती है दोस्तों। कोई आए हुए हैं, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं गांव के, घर भी देख सकते हैं, घर भी है, लोग बहुत तक पूरा भरा हुआ है। कई साल से पूजा होते सही है बताओ तो गांव में? कैसे कम मेरे पाँच साल से पूजा होते। यूट्यूब में आ ही रहो रहे मैं तो शुरुआत में कब? शुरुआत तो मैं सुने से मैंने इतनी देख के आलू के बाद शुरुआत हम है मन कर रही। अच्छा, तो लगातार चलते है, बढ़ते है का? लगातार चलते है, और इगो मैंने आगे बढ़ाते हैं लेकिन पीछे नहीं होते, मतलब और आदमी का से बेसी मैंने रुझान रही। ठीक है, पहले बहुत कम लोग आते थे लेकिन अब गांव के लोग में रुझान है और छठ पूजा का चलन चल रहा है दोस्तों। मैंने वीडियो में बताया है कि इसकी शुरुआत द्वापर युग से हुआ था, और विशेषतः सीता मैया के बिहार में इसकी पूजा करने से इसका प्रचलन बिहार से बढ़ा हुआ है पूरा देश में। और इसके सबसे पहले शुरुआत अनुसुईया माता द्वारा हुआ था, फिर बिहार में सीता माता के द्वारा वनवास काल में इसका पूजा किया गया, और इसकी पूजा के फलस्वरूप बिहार के लोगों द्वारा इसकी पूजा धूमधाम से की जा रही है, और इसका पूजा दान विधर्म भी किया करते थे। आप देख सकते हैं इसी के उपलक्ष्य में छठ पूजा यहाँ मनाया जाता है पूरे भारत देश में, और देख सकते हैं इधर पूजा की डलिया भी सजी हुई है, और इसमें फल फूल नारियल केला इत्यादि को सूप में रखा जाता है, और उसके अर्घ दिया जाता है सूर्य भगवान को, और सूर्य भगवान की पूजा छठ में मुख्य रूप से किया जाता है। और छठी मैया की पूजा इसमें की जाती है, सूर्य भगवान की माता जी हैं। अभी
आज छठ का आखिरी दिन है, अर्घ देकर छठ का पूजा समापन होगा। देख सकते हैं अभी पूजा के लिए लोग आ रहे हैं छठवर्ती। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, नहीं तो देहाती लोग यूट्यूब चैनल में देखिए सूर्य को अर्घ देने के लिए यहाँ पर मैं रखा हुआ सामान लिया जा रहा है दोस्तों। अभी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, पूजा का समापन होगा। पंडित जी द्वारा पूजा किया जाएगा। अर्घ दिया जा रहा है यहाँ पर पंडित जी द्वारा। हमारे गाँव का पंडित जी छठ का यहाँ पूजा किया गया सूर्य भगवान और ये प्रसाद को पकड़े हुए छठ व्रती। आप देख सकते हैं के साथ ही छठ पूजा का समापन ये महापर्व छठ आस्था का पर्व समापन आज होगा। देखिए जिसको आस्था है पुत्र प्राप्ति का, धन प्राप्ति का, ऐश्वर्य प्राप्ति का, वो लोग छठ का पूजा करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और निकु देहाती ब्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों। और आशा करता हूँ ये छठ पर्व आप लोग को सुख समृद्धि लेके आए और इस छठ पर्व की पावन वेला में आप सभी को निकु देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी बधाइयाँ एवं धन्यवाद। देखिए यहाँ पर बच्चों पर भी आशीष पानी दिया जा रहा है दोस्तों। आओ छठ पर्व का समापन जा रहा है, देख सकते हैं वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू निकु देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए दोस्तों। छठ पर्व की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही मैं वीडियो का अंत करता हूँ। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। आप देख सकते हैं सूर्य का उदय हो चुका है और इसका समापन हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू निकु देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय छठी मैया, जय सूर्य भगवान। थैंक यू।